अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी हवाले में शहज़ाद ज़ुल्फ़िकार क्वेटा स्टूडियो में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है अपोजिशन का नया अलायंस। क्वेटा में ही कल 6 पार्टियों ने मिलकर अपनी मीटिंग की, मीटिंग के बाद उन्होंने ऐलानात कुछ किए और तहरीक बहालिए या आयने पाकिस्तान, उन्होंने एक ऐसा नाम रखा जिससे उनका ये ख्याल है कि शायद ये लोगों को अट्रैक्ट भी करे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इससे रूगर्दानी नहीं कर सकते। यकीनन आयन से कोई रूगर्दानी नहीं करता, सब आयन को मानने वाले हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन क्या इसके पीछे सियासी मकासद हैं? इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना है? क्या इसका मकसद ये है कि दोबारा से किसी चीज़ को कंट्रोवर्शल, कोई एहतजाज, तसादुम, बंद, हड़ताल, क्या वो है? इसी पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। और साथ में हमने एक गुफ्तगू बावल नगर का एक अफसोसनाक वाक्या हुआ जो सोशल मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा जो है उसको बिगाड़ दिया और एक गैर जिम्मेदारी के तौर पर उसको जो है ना पुराने भी वीडियोस लगा दिए और उसको कर दिए, उसको भी उस पर भी हम बात करेंगे और उसका उसकी वजाहत ISPR ने जारी भी कर, पंजाब पुलिस के IG हैं उन्होंने भी जारी कर दिया। मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ, जमाल शाह काकड़ साहब हैं, PML के सूबाई पहले सदर भी रहे, इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं और MNA मुंतखब हुए हैं क्वेटा प्रोविंशियल प्रोविंशियल कैपिटल से। मेरे दूसरे मेहमान हैं इरफान सईद साहब, सीनियर साफी तजने निगार है। मेरे तीसरे मेहमान हैं नेशनल पार्टी के डॉक्टर इसाक बलोच साहब, सेंट्रल वाइस प्रेजिडेंट हैं। आप सबको खुश आमदीद। जमाल शाह साहब, आपसे ही आगाज़ करूँगा, ये आप थोड़ा उसको एक तज्जिया लें, इसलिए नहीं कि आपके मुखालिफ हैं, लेकिन क्या आप बलूचिस्तान के हैं? दो बड़ी पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवाम पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान की पार्टियां हैं और शायद आप एक के सरबरा को तो हरा के भी आ पाए हैं, तो क्या ये बलूचिस्तान से आगाज करती? आज पशीन में जलसा था, फिर चमन में भी जाकर इन्होंने जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं जो बॉर्डर पे, उनकी एक वफाकी हुकूमत ने वन डॉक्यूमेंट रिजीम का जो आगाज़ किया है उससे उनको शायद वो एहतजाज कर रहे हैं, उधर भी उन्होंने जाना था, इसके बाद वो मुल्कीर उनका ख्याल हुआ है, तो क्या कैसे आप देखते हैं कि ये आप लोगों को टफ टाइम देंगे, थ्रेट आप लोगों को है, मुश्किलात हैं, या आप आराम से बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी शहज़ाद ज़ुल्फ़िकार साहब के आपने इस मौके पर हमें मौका दिया। वैसे एहतजाज तो हर पाकिस्तान में आइन के रूप से जमहूरी हक है, सबको पुरमान एहतजाज की, लेकिन एहतजाज उस वक्त रोडों पर होता है कि असम्बलियाँ मौजूद ना हो। मैंने शुरू में भी ये कहा है, ये सारे हमारे दोस्त है, अचकजी साहब हमारे साथ PDM में भी थे, तो अख्तर जान सरदार साहब भी थे, ये हम इकट्ठे हम लोगों ने काम किया है, और ये एहतजाज का तजर्बा, एहतजाज किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं होता है, जब रोडों पे एहतजाज आता है तो स्टेट कमज़ोर होती है, मुल्क कमज़ोर होती है। ऑलरेडी हमारे मुल्क का जो माशी मसला है, इक्तसादियात है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, तो ये मज़ीद ख़राब होगा। और फिर ये तजर्बा तो हमारे एक पार्टी खान साहब की पार्टी ने देख भी लिया, तो जब एक असम्बली मौजूद है और इन सब पार्टियों की नुमाइंदगी वहाँ है, तो एहतजाज का बेस्ट फॉर्म असम्बलियाँ हैं। अगर असम्बलियों में वो अपना मुद्दा पेश करे, दलील के साथ वहाँ पे करे, तो वो ज़्यादा सुदमंद होगा। जहाँ तक आइन की बात है, आइन से कोई इख्तलाफ नहीं करता है जो भी सियासी पार्टी होगा, और हमारा मुद्दा ये कि अगर आइन पे मुकम्मल अमल दरामद हो जाए तो काफ़ी सारे मसले हल होंगे, इनसे इख्तलाफ नहीं है आइन के इम्प्लीमेंटेशन पे। लेकिन इस मौके पे एहतजाज करना, जब असम्बली ऑलरेडी आ रही है, हुकूमतें बन रही है, आप असम्बली के फ्लोर पे देखो, शुरू में मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि जब पहली दफ़ा आइन के ज़रिए एक हुकूमत चेंज हुई आदमी इतमाद के ज़रिए, तो उस वक्त खान साहब के पास असम्बली में एक बहुत बड़ा स्टैंड था और दो हुकूमतें सुबह ही उनके साथ थी। अगर वो उस वक्त ये गलती न करता और असम्बलियों से इस्तीफा न देता और हुकूमतें ख़त्म न करता,
और असेंबली के अंदर रह के एहतजाज करता तो ये नौबत आज नहीं आती जो है। और इस वक्त तो मेरी राय और तजवीज़ और तजिया ये है कि पाकिस्तान की खातर, स्टेट की खातर, क्योंकि स्टेट अब उस पोजिशन में नहीं है कि एहतजाजों में और तोड़ फोड़ में और पकड़ दकड़ में उलझा उलझा जाए, और क्योंकि इस वक्त 25 करोड़ आवाम बहुत तंग है, गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है, मईशत तबाह है, ऊपर से आई एम एफ मकरूज है। तो अगर थोड़ा सा सांस लेना इस हुकूमत को दे ताकि और चीज़ों में वो न उलझे और मुल्क की मईशत ठीक करने के लिए काम में। हाँ, असम्बली में बिल्कुल, और मैं कहता हूँ कि बेहतरीन हुकूमत के पीछे अपोजिशन का हाथ होता है जमहूरियत में। नहीं, लेकिन जिस हुकूमत में अपोजिशन ना हो वो हुकूमत काम नहीं कर नहीं सकता। आपकी राय मैं ये जानना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि आयन की तहफुज, तहरीक के तहफुज, तो आयन क्या गैर महफूज है? ये बात इसके साथ कौन इख्तिलाफ करता है? हम सब कहते हैं कि आयन को तहफुज हम मिलकर करेंगे, हम किस लिए लड़ रहे हैं? पीडीएम किस लिए बनी थी? हमें ये मुद्दा सबका है, मुश्तरक है। नहीं, मेरा दूसरा मतलब है कि आयन अपनी तरफ मौजूद है, उसको फॉलो भी किया जा रहा आयन है, मौजूद ये है। तो सब पर लाजिम है कि उसको फॉलो करे। क्या आप सिर्फ हुकूमत फॉलो करे या अपोजिशन? सब पर, तमाम इदारे, तमाम तबके, आवाम, सब पे फर्ज है। क्यों? ये बात एक हकीकत है, आइन में सब कुछ मौजूद है लेकिन इसमें कुछ चीज़ों पे अमल दरामद नहीं हुआ है, न हो रहा है। सबसे पहले बलूचिस्तान अब होता है, बलूचिस्तान आइन में आर्टिकल वो कौन सा है कि गैस जिस सूबे से निकलता है उसका मुहासिल उस सूबे को मिलेगा, 150। और मैं एक बात आपको बताऊं, मैं गया था, एक वाइस ग्रेड का सेक्रेटरी था कैबिनेट डिवीजन का, मैं जब स्पीकर था तो एक मर्सिडीज गाड़ी उन्होंने दी थी, फिर जब मार्शला लगा उन्होंने वापस ली। जब मैं स्पीकर बना मैंने कहा वो गाड़ी किधर है, उसने कहा वो वापस ले गए। मैं गया, मैंने कहा आपने गाड़ी बलूचिस्तान असम्बली से क्यों लाया? उसने कहा वो हमारी गाड़ी थी, हमने गिफ्ट दी थी, अपना गिफ्ट वापस किया। मैंने कहा रवायत ये कि जो गिफ्ट दिया जाता है वापस नहीं किया जाता। उसने कहा यहाँ रवायत नहीं चलती, ये इस्लामाबाद है, यहाँ आइन और कानून की बात होती है। मैंने कहा चलो आइन की बात करते हैं, आइन की ये 158 शिक पे हमारे जो कर्जात पे वो आप दे दे फिर हम आपको गिफ्ट देंगे, इस आइन पर अमल करो। नहीं अपना नाराज हो गए, नहीं नाराज हो गए। तो मैंने कहा देखो आइन भी अगर मुकम्मल अमल दरामद हो जाए तो बलूचिस्तान को हम संगमरमर से बनाएंगे, ठीक है? बलूचिस्तान का इतना कर्जा हुआ। मैं इरफान सईद साहब, आप रात मौजूद भी थे और आपने सवालात भी किए, और आपका अमूमी तासुर क्या है? क्या ये जो आयन की तहफुज की बात की जा रही है या इसमें जो बड़ी पार्टी हैं पीटीआई, वो अपने मकासद हल करने के लिए या अचीव करने के लिए तमाम दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये सेंसियर हैं एक दूसरे से भी, और कोई क्लियर इनका कोई ऑब्जेक्टिव है? शुक्रिया शेरा साहब। देखिए बात ये कि एक जनरली एक जब एक तासुर ये पाया जा रहा है कि मुल्क में जब भी कोई इलेक्शन होते हैं उसके बाद जो पार्टियां जो हार जाती हैं तो उनके बारे में ये तासुर है हमेशा से रहा कि वो हमेशा से वो ये कहती हैं कि जी धांधली हुई और जिस तरीके से हमें बाहर किया गया। लेकिन यहाँ जो बात अभी जमान शाह साहब से भी बात उन्होंने खुद ही कर दी कि आइन पे अमल दरामद की बात है, आइन पे मुकम्मल अमल दरामद। देखे जिस तरीके से हम सब इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी जानते हैं यहाँ पे कवानीन दो तरह के, पॉलिटिकल जमातें जो वावेला कर रही हैं वो इस वक्त ठीक है, वो इस वक्त इक्तदार में नहीं है, जो बाहर है तो वो शोर शराबा करेंगी, लेकिन यहाँ पर आइन पर अमल दरामद मुकम्मल ये इस चीज़ की गारंटी चाहते हैं लोग, अवाम भी चाहते हैं। मुझे बताएं आइन में जो अवाम को जो दिए गए राइट्स हैं क्या उस पर कोई अमल दरामद हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसलिए जो इस वक्त पब्लिक की जो नब्स में मेरा उनका हाथ मेरा, है, मेरा जो मेरा सवाल जो ये था ना कि क्या ये आगे जो जा रहे हैं कि क्या ये क्लियर ऑब्जेक्टिव के तहत जा रहे हैं, या इसमें भी कल, जैसे लोग कह रहे हैं कि वो कोई जब कोई मामला तय हो जाएंगे तो उसके बाद पीटीआई। कल हमने आपके सामने 3 मरतबा उमर अय्यूब साहब से हमने सवाल किया, मैंने भी किया, आपने भी किया, दूसरे हमारे साथियों ने भी, कि बलूचिस्तान की जितनी कौम पर जमातें, मैं इनको मुर्दा इल्जाम नहीं ठहराता हूं बलूचिस्तान की जमातों को, ये तो हमेशा से
ये कंधा बनी है बड़ी सियासी जमातों के लिए, चाहे वो पीडीएम की शेप में हो, चाहे पीपल्स पार्टी के साथ हुए, चाहे मुस्लिम नून के साथ हो, अब पीटीआई के साथ, वही बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें, वो तो अपना कंधा पेश करती हैं, लेकिन आगे चल के जब यही पार्टियां, बड़ी पार्टियां इक्तदार में आती हैं, तो ये अपनी बलूचिस्तान की सियासी जमातों को भूल जाती हैं। हमने इसी तरह मिसाल दी कि पीटीआई के साथ बीएनपी मेंगल का एक मुआहदा था 6 साल पहले, जब ये 2018 में उसने इतिहाद, उन्होंने उसपे अमल दरामद दी। आज भी वही सवाल था। सवाल बड़ा आपका सवाल इंटरेस्टिंग था, जरा वो बताएं ना, ताकि हमारे नाज़रीन कि हमने माजी से कोई सबक सीखा। हमने यही सवाल किया उमर अय्यूब साहब से, लेकिन उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। वो सिर्फ अपने लीडर के गिर्द ही घूमते रहे और अपनी पार्टी के गिर्द ही कि हमारी पार्टियों की कुर्बानी, हमारी पार्टी। अब पार्टी की कुर्बानी की बात ही, कुर्बानियां यहां सब सियासी जमातों ने दी, सिर्फ एक तहरीक इंसाफ नहीं, बहुत सी सियासी जमातें जिन्होंने कुर्बानियां दी, पीपल्स पार्टी ने दी, मुस्लिम नून है, दूसरी जमातें, बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें, सब ने कुर्बानी दी। आई तो अभी आई है, बात यह कि वो तो पहली मरतबा उनको ये इस मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है, उनको पता चला कि मुश्किल क्या होती है। जब वो इक्तदार में थे उस वक्त वो सब चीजें भूल चुके थे, उस वक्त भी यही सियासी मुकदमा जिस तरीके से बनाए जाते थे लोगों पे, लोगों को इसी तरह सवाल यही था हमारा पीटीआई से, यही सवाल है और आज भी हम यही सवाल करते हैं कि क्या माजी में जो आपने गलतियां की, क्या उनसे कुछ सीखा आपने? आज जो आप डेमोक्रेटिक पार्टियों को आप मुझे बताएं, उनके सीधे हाथ पे महमूद खान अचकजई साहब बैठे थे, उल्टे हाथ पे उनके सरदार बैठे थे, ये बलूचिस्तान की वो सियासी जमातें हैं जो हमेशा से आपके साथ रही, लेकिन जब आप इक्तदार में आए, यही इनकी पार्टी के लीडर जिस तरीके से मजाक उड़ाया करते थे सियासी लीडरों का, सियासी जमातों का, कायदीन का, क्या आज उनके कायदीन के जो जिनकी पार्टी के जो वर्कर है वो नहीं पूछता कि आप इनके साथ दोबारा किस तरीके, जेयूआई क्यों नहीं आ रही, जेयूआई के साथ क्या कुछ नहीं किया इनकी पार्टी के लीडर ने? आज जब उनको मुश्किलात नजर आ रही हैं तो वो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, लेकिन जब यही पार्टियां इक्तदार में आती हैं तो वो बलूचिस्तान के और बलूचिस्तान के मसाइल को, बलूचिस्तान के अवाम को भूल जाती हैं। यही हमारा बुनियादी सवाल था उमर अय्यूब साहब से भी, और आज वो जिस तरीके से जलसे कर रहे हैं और जलसों में भी सिर्फ वो अपनी पार्टी का ही और अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, वो बलूचिस्तान की महरूमियों की बात नहीं कर रहे। आज पशीन में जो जलसा हुआ, अपनी पार्टी के गिर्द वो पूरी पॉलिटिक्स को घुमा रहे हैं। इसी तरह चमन में भी आज जलसा हुआ, चमन में भी उन्होंने इसी तकरीर को दोबारा दोहराया जो कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो हमारा कहने का मकसद है इन पार्टियों को, सियासी जमातों को, बड़ी सियासी जमातों को अभी संभलना चाहिए, देखना चाहिए। जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं कहता हूं ये होना चाहिए, और ये सिर्फ एक जमात के खिलाफ भी किसी को कोई नहीं करेगा। अभी डॉक्टर साहब कहने का मकसद ये कि इस वक्त एक जो मुल्क इस वक्त माशी बहरान से गुजर रहा है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों को सर जोड़ के बैठना चाहिए और इस मुश्किलात से मुल्क को किस तरीके से निकालना है। इस वक्त बलूचिस्तान लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल आपके सामने है, जिस तरीके से जो मसले पैदा हो रहे हैं, तो इससे निकलने के लिए सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। लोग महंगाई बेरोजगारी के चुंगल से आज़ादी चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आप पोलिटिकल जमातें जो है सिर्फ वो अपने एजेंडे को लेकर चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बलूचिस्तान की तो मजलूम सियासी जमातें हैं, मैं तो उनको मजलूम कहता हूँ, वो तो हर एक के साथ इकट्ठी हो जाती आगे, है आगे चलकर ये अलायंस मोमेंटम गेन करेगा, मुझे नहीं लगता शाह साहब, क्योंकि इसमें जिस तरीके से इसलिए आपकी राय नहीं, इसलिए आपकी राय ले रहा हूं कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज तो जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी है ना, पीटीआई का एक अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडे के तहत इस वक्त बिल्कुल मुश्किलात में घिरी हुई है, उसको इस वक्त सहारे चाहिए। वो सहारे जरूर ये बलूचिस्तान की हों या दूसरी सियासी जमातें उनको सहारे के तौर पर इस्तेमाल करेगी, लेकिन आगे चल के जब वही बात है कि जब उनको अच्छे हालात नजर आएंगे तो वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे। तो ये एक बदकिस्मती रही है बलूचिस्तान में, हमेशा से बलूचिस्तान की सियासी जमातें हमेशा से कंधा देती रही हैं बड़ी सियासी जमातों को, लेकिन आखिर में उनके साथ वही होता है जो अब हो रहा है। तो मेरा मकसद है कि इस वक्त जो पीटीआई जो है अपने एजेंडे के तहत जो जलसे में भी जो आज उन्होंने अपना मौकफ बयान किया, वो सिर्फ अपने लीडर के गिर्द, वो ये नहीं कहते कि बलूचिस्तान में लोग किन हालात में रह रहे हैं, हम इनको मुश्किल से निकालने के लिए क्या प्रोग्राम लेके जाएंगे, लोगों को किस तरह इकट्ठा करेंगे, सिर्फ अपने सिर्फ एजेंडे के तहत लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। देखें अभी यही डॉक्टर साहब से भी करें, इस वक्त तो शायद बलूचिस्तान में पशीन गढ़ है पश्तूनख्वा मिली मुस्लिम पार्टी का, महमूद खान अजगजई साहब ने लोगों को इकट्ठा कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा में ज़रूर इकट्ठा कर लेंगे, असल में तो पंजाब है सिंध में, क्या लोग उनको इतनी पजेरा। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ,
इस अलायंस को डॉक्टर साहब आप जाहिर आप एक पॉलिटिकल आदमी हैं, आपकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आपने स्टार्ट किया, आगाज किया, सारे नशेब फराज भी आपने देखे हैं, स्टडी भी आपकी काफ़ी है, अलायंस भी आपने 70s में पढ़ा जरूर है, बाद में आपने सामने सब कुछ बनते गिरते फॉर्म होते टूटते देखा है। इस अलायंस में जो मेरा बुनियादी सवाल इनसे भी था तो आपसे ये है कि क्या ये सिर्फ आयन की तहफ़ की बात है या इसके सियासी मकासद हैं या इस पूरे निज़ाम को लपेट में लेने की ख्वाहिश है? देखिए ना, जैसे आपने बात की कि आइन की जो है पासबानी है, आइन का तहफ़ है, आइन पे अमल दरामद, मैं वैसे तो एक सियासी कारकों के समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो आइनी सफ़र जो है वो बहुत लंबा है। यानी हमारी जो पहली आइन बनी 1956 में, दूसरा आइन बनाने का सहरा वो जाता है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को, इसमें कोई शक नहीं है। जो 73 का आइन है, अब भी हम 73 के आइन की बात करते हैं, उसके बाद प्रिंस साहब 73 के आइन में एक बात थी जिसको मीर साहब गौसुद्दीन ने जो हमेशा कहा करता था कि जो कंकरेंट लिस्ट है उसको ख़त्म करना है, कि वो एक तहरीरी मुआहदा नहीं था, एक कमिटमेंट था शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो है नैब के लीडरों के साथ कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तियारी जो है सूबों को देंगे। फिर यही हुआ कि वो नैब की हुकूमत ख़त्म हो गई, वो हमारे तारीख का और हमारे आइन का एक अलमिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फिर भी जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो किताब है कि व्हेन आई वाज असासिनेटेड, उसमें उसने एतराफ़ किया कि मैंने जो नेशनल अवामी पार्टी का लीडरशिप है उसको समझा नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे आइन में जो सूबाई खुद मुख्तियारी के हवाले से या आइन का तहफ़्फ़ुज़ या इख्तियारात की मुंतकली का सबसे बड़ा काम जो है वो पीपल्स पार्टी ने किया। उसके दौर हुकूमत में हुआ जब प्रेसिडेंट जो है ज़ुल्फ़िकार अपने जरदारी साहब थे और उसकी जो टीम थी रज़ा रब्बानी साहब थे। देखिए ना, मैं आपको बताऊँ ना, उसमें यह था कि अपोजिशन के जो लोग थे सब थे, लेकिन ये उनके दौरे हुकूमत में इसमें कोई शक नहीं किया। और उसमें देखिए ना प्रिंस साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, फर्द का बहुत बड़ा रोल होता है एक इंडिविजुअल का। मैं यहाँ पे अगर रजा रब्बानी साहब का नाम नहीं लूं, बिल्कुल मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो नहीं होता ये सारी चीजें नहीं होती। एक बात तो है कि वो खुद लाहर था, कानून का माहिर था, उसने बहुत सारी चीजें उन्होंने बनाई। अब रही बात, देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि आइन की पासबानी और पीटीआई, इसमें तो बहुत तजाद है। इसमें इतना तजाद है कि जमीन आसमान का उसमें फर्क है कि बाबा, पहली बात तो ये है कि उनका अपना जो मंशूर है इस मंशूर में 2024 में और पीटीआई का अपना मंशूर है, उसका मंशूर सदारती निज़ाम है। यानी जब सदारती निज़ाम हुआ तो 18वीं तरमीम, इख्तियारात की मुंतकली, ये सब मलियामेट होगा, नंबर वन। रही बात दूसरी, देखिए मैं काम करता हूँ कि जैसे इरफान साहब ने कहा कि हमारे जो माजी में भी इनके इत्यादी रहे, क्या मिला, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि पीटीआई खुद जो है उसका जो है सियासी सफ़र शुरू हो जाता है मेरे ख्याल में 93-95 से। 2008 में वो बाइकाट भी करता है और ये कि इलेक्शन में खुद ही इमरान खान की सीट आती है, उसका जो है बैकग्राउंड जो है वो सियासी नहीं है। सियासी जद्दोजहद का बैकग्राउंड आपको जो है पीटीआई में नज़र नहीं आता है, आपको जमीयत उलमा इस्लाम में नज़र आता है, इवन आपको मुस्लिम लीग में नज़र आता है। पीपल्स पार्टी अगर देखा जाए जो इस वक्त इस हुकूमत में है, उसका तो एक तवील सफ़र है। हम जो नेशनल पार्टी अपने आप को नैब के जो है नैब का तसलसल कहते हैं, तो हमारा भी एक सियासी सफ़र है। रही बात देखें ना आइन की पासबानी, अभी आप जो है इन 5 सालों में आप देखें आप आइन पे कितना अमल दरामद हुआ। जैसे अभी शाह साहब ने कहा, जवाहर शाह साहब ने, इस वक्त जो है पहली बात कि गैस यहाँ से निकलता है लोड शेडिंग है कोयटे में, नहीं होना चाहिए। लेकिन आइन पे अमल दरामद की अब भी हमें थोड़ा बहुत उम्मीद है कि इस हुकूमत में एक टीम की हैसियत से पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी क्योंकि हमें कहते हैं कि इनिशिएटिव उसने लिए, उसमें नून भी था, उसमें जमीयत वाले भी थे, उसमें पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी भी था, उसमें अख्तर मेंगल साहब नहीं थे उस जमाने में। 18वीं तरमीम की वो लोग मुखालफत करते रहे, हमने कहा कि बाबा एक सफ़र है इख्तियारात की मुंतकली का, अभी अभी कुछ मिलेगा ये भी बहुत है। अभी आइन की जो है पासबानी क्या है बाबा, आइन पे अमल दरामद करो, नंबर वन। और ये उम्मीद मैं समझता हूँ इस हुकूमत से शायद हो,
कि जरदारी साहब बसे थे प्रेसिडेंट, उसका टीम, क्योंकि उन्होंने चीजें बनाई हैं, कि हम उनको कहें बाबा आप सीसीआई की मीटिंग हर 3 महीने में करो, एनएफसी अवार्ड करो, आर्टिकल 172(3) जो इक्वल और ज्वाइंट शेयर है गैस और ऑयल का सूमो और वफाक के दरमियान, उस पर अमल दरामद करो। अब देखिए ना, मैं समझता हूं कि इसमें मैं ये जो प्रोसेस है बहुत सारे हमारे आप उसकी बात कर रहे हैं ना। देखिए मैं आपका तजिया जानना चाहता हूं कि ये अभी तो आपने इस पर बात कर दी, अब ये क्या आगे चल पाएगी ये तहरीक को, इस तहरीक को कितना जो है अवाम में पज़ीराई मिलेगी इस नारे पर कि तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात, या आगे इनको कुछ नहीं। देखिए ना, ये मैं समझता हूँ ये सिर्फ नारे हैं नंबर वन, और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कि जो इलेक्शन का प्रोसेस था कि उसमें हर पार्टी को, हर इंडिविजुअल को, हर बंदे को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रिजर्वेशन के साथ, मैं ये कहता हूँ कि इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान और पीटीआई की क्यादत में कोई भी जो तहरीक होगा वो आइन की बहाली नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि वो मजीद जो है मुआशी और सियासी जो है अदम इत्माद, अदम बहाली की तरफ जाएगा, ये नहीं जाएगा, आगे जाएगा नहीं, क्योंकि उनके पास कोई विजन ही नहीं है। भाई फर्ज करो आप रहे हो, आपकी पार्टी हुकूमत में रही है, आपने क्या किया इन 5 सालों में, आपने बलूचिस्तान के साथ क्या किया, आपने वफाक में क्या किया, रही बात। अभी आप देखें ना, एक और भी बात है यहां पर, बहसियत हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी के हम ये नहीं कहते हैं, अब फिर सुन्नी काउंसिल अगर देखा जाए देखे ना, पहली बात है मैं कहता हूं कि सुन्नी काउंसिल के उम्मीदवार से पीपल्स पार्टी का एक नाम तो है भाई, हम सुन्नी काउंसिल को तो नहीं जानते, तो दरमियान में ये मसला भी आगे लाया गया। उनका जो प्रैक्टिस है मैं समझता हूं कि सिर्फ जो है वो एक प्रेशर प्रैक्टिस है, और वो सिर्फ ये है, मैं आपको अब भी कहूँ मेरा अपना तजिया ये है कि थोड़ा बहुत जो है स्पेस इमरान खान को मिल गया, उनके मामलात ख़त्म हो गए, उनके लोगों को स्पेस मिल गया, ये तहरीक वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये इस किस्म की तहरीक नहीं होगी कि जो चलेगी और आइन की बहाली, आइन की पासवानी, भाई आइन तो है, आइन आइन को देखो प्रिंस, मैं आपको एक बात बताऊँ, आइन में इसलाह जो हुआ है वो पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में हुआ है, जिसमें हम भी शामिल थे, शाह साहब पीटीआई के दौर में नहीं हुआ। ये अभी जैसे कह रहे हैं कि पीटीआई का प्रेशर था आपकी गवर्नमेंट पे या केयरटेकर गवर्नमेंट पे, अब प्रेशर वो जब देख रहे हैं कि ज्यादा प्रेशर हम कुछ डाल नहीं सके, अब उन्होंने दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को भी शामिल कर रहे हैं। बहुत वाजे हो जाता है, एक क्लिप अगर आपकी नजर से गुजरा हो, शेर अफजल मरवत साहब खिताब कर रहे हैं, पीछे से कोई ऐसा नारा आ रहा है जो मौलाना फजलुर रहमान के मुतल्लिक कोई बहुत ही ऐसे मायूब नारा लगाते हैं, तो कहता है ये नारे ना लगाओ भाई, हमारी बातचीत उसके साथ चल रही है, तो इसका मतलब उसको भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रेशर को आखिर आप लोगों की तरफ से क्या है, आप लोगों भी इन पार्टियों को साथ आप लोग लेंगे? शहजादा साहब मुझे थोड़ा, मैं आपको असल का सिर्फ अपनी पार्टी का दिपा नहीं करूंगा, जमहूरी बेस शुरू है, आपसे प्रोग्राम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो एक मैं अरपान साहब के उस बात से इख्तलाफ करूंगा, और एक आपने कहा था कि कुर्बानियां सब पार्टी ने दी, जब कुर्बानियों की बात आता है 2018 के बाद नवाज शरीफ जेल में, उसकी बेटी जेल में, उसका भाई जेल में, उसका भतीजा जेल में, उसका करीब तरीन टीम राना सनावला जेल में, ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा सदर पिक साहब, असद इकबाल, यानी मुस्लिम लीग की पूरी क्यादत जेलों में थी, लेकिन किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, कोई बागा नहीं। ठीक है, कुर्बानी हर सियासी पार्टी दे रहा है, तो मुस्लिम लीग की वो कुर्बानियाँ थी, और फिर 2018 से पहले मुस्लिम लीग आवाम और महंगाई जिस स्टेज पर था वो भी आप लोगों को याद है, फिर 2018 हुआ और अरपान साहब ने एक बात की कि बड़ी पार्टियों ने हमेशा बलूचिस्तान की छोटी पार्टियों को इस्तेमाल किया फिर छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं है। मैं अपनी पार्टी का आपको मिसाल दूंगा कि उसने बलूचिस्तान की पार्टियों को हमेशा इज्जत दी है, मसलन 2013 में हम हुकूमत बना सकते थे, लेकिन हमने डॉक्टर मालिक साहब को और दूसरी पार्टी अच्छा, राजी भी हो जाती, राजी हो जाती नहीं, उन्होंने मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए सर यहाँ कि आप मीट करें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन हम कहा नहीं,
ڈاکٹر صاحب کر دیں. پشتونخوا ملی ہوں پارٹی ہمارے ساتھ تھی گورنرشپ اور دا ٹاپ کے محکمے بلوچستان حکومت نے دے رہے تھے. اختر مینگل صاحب کو یا اور جے او اے کو ہمیشہ مسلم لیگ نون نے بہت عزت دی اور احترام اور اب بھی دے رہے کر رہے ہیں. جمہوری پارٹیاں ہیں. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے اچھا نہیں لگتا ہے کہ شروع سے تاثر یہ ملا ہے کہ شاید پی ٹی آئی اور نون آپس میں لڑ رہے. نہیں, پی ٹی آئی غلطیاں کر رہی ہے, یعنی اپنے ساتھ بھی اپنے پاؤں پہ کلاڑا مار رہا ہے. ابھی اس وقت اپوزیشن میں ہوتے ہوئے, یعنی جب ان کے اعراض پہنچے جنہوں نے وہ دن بھی ہمیں دکھایا, اس کے بعد بھی غلطیاں کر رہا ہے. وہ کیسے ملک کو 25 کروڑ عوام کو سیدھے راستے پہ چلائیں گے؟ تو میں کہتا ہوں اس لیے یہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے کہ اس وقت تمام پولیٹیکل پروسیس حکومتوں میں چاہے جیسی بھی ہے, الیکشن یہاں پہ اس طرح ہے پاکستان میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو آرتا ہے وہ کتاب. اور اس الیکشن میں کیا ہوا؟ اس الیکشن میں ایک صوبے میں ایک ہی پارٹی ہوتا ہے, ایک حلقے میں ماتم کرتا ہے, دوسرے حلقے میں جشن آتا ہے, ایک ہی پارٹی ہوتی ہے. تو پرو پارٹی بھی نہیں, کوئٹہ میں دے کے, پشی میں دے کے, زوب میں دے کے, باقی ملک چھوڑے, جہاں پہ جیتا ہے وہاں خوش ہے, جہاں پہ آ رہا ہے وہاں ماتم ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات ہم سب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فیئر ہونا چاہیے, یہ سب کا اس کی بنیادی مطالبہ بھی ہے. باقی ملکوں میں الیکشن ہوتے ہیں, کیوں اس طرح نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ یہ بات یہاں تک صحیح. لیکن اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور باقی جو پارٹیاں ہیں وہ سب لگے ہوئے. اس لیے میں نے شروع میں مشورہ یہ دیا کہ بھائی اسمبلی کا فلور موجود ہے, آئین کی بات کرتے ہو, عوام کی بات کرتے ہو, جب تک آپ عوام کو اس وقت اس دلدل سے نہیں نکالو گے, مہنگائی کی چکی سے اور ملک کا قرضہ اور آئی ایم ایف, جب پاکستان ہوگا تو سیاست ہوگی, اگر پاکستان نہ ہو اس سے تو کوئی اختلاف نہیں کسی کو. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ لیکن آپ کی طرف آپ کی بات کیا کر رہا ہے؟ آپ کی بات میں تائید کرتا ہوں کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ سب مل بیٹھے, بلکہ صرف نہیں تمام پارٹیاں, تمام ادارے, عدلیہ کی جتنی بھی جرنلسٹ بیٹھے کہ اب پاکستان کو اس دردی سے کیسے نکالے. پھر تو ہم بلوچستان کرو رہے تھے, اب ملک کسی کو نہیں. مفاہمت کی جو بات میں کرتا ہوں, کیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ لوگوں کی بات چیت چل اور ابھی تک وہ نہیں گئے ہیں تو کیا کوئی بات چیت کامیاب ہو رہی ہے؟ ہم تو آخر رات تک اس کو نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ پر مولانا رحمان صاحب ہمارے ساتھ پی ڈی ایم میں اس کا رول ہے, ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے, مذہبی اور سیاسی پارٹی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اس حالات میں آپ اسے ڈال دیں. اور عید پہ بھی شہباز شریف صاحب نے اس کو فون کیا, سب اس کے گھر گیا, شہباز شریف صاحب اس کو گھر گیا. تو ہم تو امید سے کہ انشاءاللہ وہ پولیٹیکل بہت بڑا فگر ہے. نہیں, آپ کے پاس کوئی نہ کوئی فارمولا ہے جو, کیونکہ آپ اس پارٹی سے رہے ہیں, آپ مولانا فضل الرحمان کو زیادہ جانتے ہیں, تو آپ مشورہ دیں نا ان کو کوئی, کون سے طریقے سے ان کو منایا جائے. مولانا فضل الرحمان کو منانے کے طریقے سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے, عرفان صحیح صاحب, آپ کی طرف میں آتا ہوں. مطلب میرا سوال تھا, انہوں نے آخری جو ہے نا, انہوں نے ایک ہی بس وار کر دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. ابھی آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا یہ جو نئی تحریک ہے, یہ صرف عمران خان صاحب کو رہائی کی تحریک ہے جیسے بھی ہے اس کو, اور یا واقعی کوئی ایسی تحریک ہوگی جو اسمبلی کے اندر بھی پرامن احتجاج کرے, باہر بھی احتجاج کرے, یہ بھی سے انکاری نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب بھی انکاری نہیں ہے, احتجاج ضرور کریں, اور با مقصد اگر احتجاج ہے تو سب میرے خیال میں شاید لوگ بھی ساتھ دیں. دیکھیں, میں جس طرح پہلے میں نے بات کی کہ ملک کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جس پہ انہوں نے اختلاف کیا, کہ میں نے, میرا مقصد یہ نہیں تھا, میں نے تو کہا پی ٹی آئی نے پہلی مرتبہ اس اتحاد کو بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا, اور بلوچستان کی سیاسی جماعتیں ہمیشہ سے مرکز کی بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحادوں میں شامل رہی ہیں. اس میں نہ پڑے, ابھی ان کی طرف سے بھی آ جائے گا, کیونکہ وہ پیپلز پارٹی جو میں جمال شاہ صاحب سے صرف یہ کہوں گا کہ اس وقت آپ کی پارٹی اقتدار میں ہے, آپ کو دل بڑا کرنا چاہیے,
آپ کو بلوچستان کے جو گریونسز ہیں، جو بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک فرد واحد کی آزادی کے لیے تحریک نہیں ہونی چاہیے. تحفظ آئین پاکستان جو تحریک کا نام رکھا گیا ہے، اس میں کانسٹیٹیوشنلی جو آپ کو رائٹس دیے گئے ہیں عوام کے لیے، اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس پہ سب پارٹیاں ایگری کرتی. اور میں اس وقت جماعت شاہ صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ کی پارٹی، آپ اپنی پارٹی کو مشورہ دیں کہ بلوچستان کی جو ویسے دوریاں بہت بڑھ گئی تھی، پہلے سے بھی بہت ہیں، تو اس کو کم کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھائیں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار اگر دیا ہے تو یہاں پر آئیں، بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ معاملات کو طے کریں. کوئی ایسی بات مشکل نہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ پشتونخوا ملی عوام پارٹی ہمیشہ ساتھ ہوتی تھی، آپ لوگ کلوز ہوتے تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ، آپ کے جو سربراہ تھے آپ کے میر حاصل خان بزنجو صاحب، لیکن آپ نے کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا کہ جا کر اپوزیشن، اور اس میں باوجود جو ابھی آپ نے کہہ دیا زیر لب، آپ نے کافی گلے بھی کر دیے کہ گلے کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ اس وقت پارلیمنٹ کو ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے لوگوں کو دیکھنا ہے، سیاسی اس کو دیکھنا ہے. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ وہ خان صاحب جو ہیں، محمود خان صاحب چلے گئے اور اب سارا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈال دیا گیا کہ آپ سربراہ ہیں اور آگے چلیں؟ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خان صاحب کا ہم احترام کرتے ہیں، بالخصوص جو ہے ہمارا اتحادی رہا ہے، ہمارا لیڈر بھی ہے، اس کو بہت بہت احترام کرتے ہیں. لیکن یہ جو عمران خان اور پی ٹی آئی والی ٹیم ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی ٹیم ہی نہیں ہے. یہاں پہ بدقسمتی ہماری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ جو ہے فرض کرو، آپ ایک بات کر رہے تھے آپ اس سے پہلے سوشل میڈیا کا، لیکن جب آپ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ بہت متاثر ہے. میں آج پڑھ رہا تھا وہ ٹیونس کا جو ہے پریزیڈنٹ بن گیا ہے آزاد امیدوار، بھائی کیسے بنا؟ اس نے کچھ نعرے دیے اور کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ بھی پاکستان کی طرح زیادہ تر نوجوان ہیں، سارے نوجوانوں. اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ جیسے آئین کی پاسبانی، ہمارے پاس آئین ہے، آئین کے جو انسانی بنیادی حقوق ہے 8 سے 20 تک، یہ جو گورنمنٹ ہے ان پہ بالکل بڑے اچھے انداز میں عمل درآمد کرے. نمبر ون، سی سی آئی کا سیکرٹریٹ بنائے، این ایف سی ایوارڈ کرے، اور 18ویں ترمیم میں جتنے بھی پاورز ڈیوالو ہو گئے ہیں صوبوں کو، ان کو بالکل اچھے طریقے سے ان ٹرو اسپرٹ ان کو منتقل کرے. نہیں، میرا بنیادی سوال آپ نے شاید جواب نہیں دیا. دیکھیں، آپ نے تقریر بھی ادھر کی، آپ کے سربراہ نے بھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی تقریر کی، لیکن شاید اس طرح سے جو آپ کو ڈرفٹ کرنا چاہ رہے تھے اور آپ کو سمجھنا. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہمیں جو پی ٹی آئی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، ہمیں پی ٹی آئی کا جو حکمت عملی ہے، اس کا منشور ہے، اس کا آئین ہے، اس سے اختلاف ہے. وہ اس ملک میں صدارتی نظام چاہتا ہے، تو پھر آئین کہاں رہ گیا؟ یہ 18ویں ترمیم پر کہاں ہوگا جب وہ صدارتی نظام چاہتا ہے اس ملک میں اختلاف کے منشور میں؟ تو اس کا حصہ جو ہے میرے خیال میں جو ہمارے جماعتیں ان کو نہیں ہونا چاہیے. نمبر ون، ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ٹائم بالکل کم ہے، ایک لاسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے، شارٹ کمنٹس آپ کی لوں گا کہ بھاول نگر کا ایک واقعہ تھا بہت ہی افسوسناک، جیسے میں نے کہا اس میں آئی ایس پی آر کا بھی پریس ریلیز آ چکا ہے، اس میں بھی ہے کہ ہم پھر اس میں جو ہے انویسٹیگیٹ کریں گے. سوشل میڈیا اس کو آؤٹ آف کنٹیکس جو ہے ان چیزوں کو بڑھا رہا ہے، تو ایک اچھی بات ہے کہ کم از کم ایک انکوائری ہو جائے. شاہ صاحب آپ نے سوال بھی کیا، جواب بتا دیا. ہمارے ملک کی بدنصیبی سمجھو، بدبختی سمجھو، کہ ہم کچھ چیزیں ایسے کر لیتے ہیں کہ اس سے ہمارے ملک کو، اسٹیٹ اور ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے. یہ دو پر کی لڑائی سمجھو یا جو بھی سمجھو، دو گروپوں کی لڑائی کر لیجیے، دو گروپوں کی سمجھو، تو اس کو اتنا نہیں اچالانا چاہیے تاکہ پڑوسی ممالک بھی جگہ صحیح بن جائے. اور پھر جب وہ ذمہ داران کہہ رہے کہ ان کی تحقیقات ہونا چاہیے، بات ختم ہو گئی. اگر اب ہم اب ان کو ٹارگیٹ کریں، لیکن دراصل
ہم اپنے ملک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح لوگ ہیں. عرفان سعید صاحب, سوشل میڈیا کا رول آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کم از کم ذمہ داری ہونی چاہیے. صاحب ہم ہمیشہ آپ کے پروگرام میں بھی کہتے ہیں سوشل میڈیا ایک بے لگام گھوڑا ہے اور اس پہ اس وقت کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ یہ معاشرے میں جس طریقے سے بگاڑ پیدا کر رہا ہے, جس طرح سے ایک لڑائی کی کیفیت پیدا کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اس پر اب وقت آ گیا کہ اس پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے. کوئی میکنزم ہونا چاہیے کہ اس کو بھی جو بندہ بغیر سوچے سمجھے ایک موبائل کے ذریعے میں کچھ بھی یہاں پہ کسی بھی ادارے پہ کسی پہ بھی کیچڑ اچال دوں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں, تو اس پہ ایک کنٹرول ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ کوئی پالیسی بنائے تاکہ یہ جو لوگ اس قسم کے پروپیگنڈا, چاہے پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں اور زیادہ تر لوگ آپ کے باہر بیٹھ کے یہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں, ملک کو بدنام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایک میکنزم بنانا چاہیے گورنمنٹ. ڈاکٹر صاحب, سوشل میڈیا آپ خود بھی آپ کی پارٹی بھی استعمال کرتی ہے لیکن آپ کے خلاف بھی استعمال ہوتا ہے, آپ خود بھی اس چیز کا متاثر ہیں کہ آپ کے ڈاکٹر صاحب کے متعلق, جیسے میں آپ کو ایک کلپ بتاتا ہوں, آپ جو ابھی نو منتخب آپ کے جان بلیدی صاحب, ان کے بیٹے کا کسی نے کلپ چلا دیا کہ دیکھیں یہ پکڑ کر جو ہے نا یہاں بلوچ نوجوانوں کو مار رہا ہے, یہ تو اعلی کار بنے ہوئے ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحب مجھے خود یہ محسوس ہوا, میں نے پوچھا صاحب سے, کہتے ہیں نہیں بھائی یہ خامخا میرے خلاف پروپیگنڈا, تو مجھے بتائیں کس طرح اس کا سدے باب کیا جائے. ابھی دیکھیں نا یہ جو سوشل میڈیا کا جو یہاں پہ جو استعمال ہے نا اس کے پس پردہ بہت سارے مورخات ہیں. دیکھیں نا کسی بھی قوم کا کسی بھی معاشرے کا ایک ذہنی سطح ہوتا ہے, اس کا ایک مینٹل جو ایک مائنڈ سیٹ اس کا ہوتا ہے, ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بہت غلط ہو گیا ہے, اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اصلاح کیسے کرو گے؟ میں نے یہ مثال اس لیے دی ڈاکٹر صاحب, خاص طور اگر اس کے بیٹے کو نقصان ہوتا ہے. آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے سلیبس میں ابھی سے آپ سوشل میڈیا کے لیے بھی کوئی مضامین ڈالو کہ بچے اس کو پڑھے, ہاں اس کے ایتھکس اور اس کے اخلاقی ضوابط اور اس کے استعمال کے بارے میں بچوں کو پڑھاؤ. یار ہمارا جو سلیبس ہے اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, آپ میں یہ کہوں کہ آئین کا جو آئین ہے ہمارے 8 سے 20 تک بنیادی حقوق ہے, آپ ان کو سلیبس میں ڈالو تاکہ ہمارے جو شہری ہیں ہمارے بچے ہیں ان کو آئین سے آگاہی ہو. آپ اس سوشل میڈیا کو روک نہیں سکتے ہو. نہیں روکنا تو نہیں چاہیے, بات ہے نہیں, ہم تو بات کر رہا ہوں. نہیں اگر چھاؤ بھی نہیں کر سکتے ہو آپ, اگر ابھی ٹویٹر کو آپ نے بند کیا ہے, لوگ پراکسی استعمال کرتے ہیں, سب استعمال کر رہے ہیں اس کو, آپ فیس بک بھی روک سکتے ہو, آپ واٹس ایپ کو روک سکتے ہو. جب بہت زیادہ کچھ چیزیں خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں اس کو پھر تھوڑا ہمیں اپنے آنے والی نسل کو اپنے بچوں کو اپنے لوگوں کو تربیت دینا ہے کہ اس کے جو ہے ایتھکس کیا ہے. یہ جو سوشل میڈیا اس کا نہیں ہے کہ ارے کا پگڑی اچالو, آپ نہ ملک کو چھوڑو نہ ریاست کو چھوڑو نہ فرد کو چھوڑو نہ اداروں کو چھوڑو. رہی بات دیکھیں نا, یہ جو بات تھی ہمارے باول نگر والی بات, ہمیں یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت اسٹیٹ کو, اسٹیٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اپنے دائرے میں کام کرنے کی ضرورت ہے. نمبر ون ان کی استعداد بڑھانے کی ضرورت ہے اور ان کا جو اعتماد ہے لوگوں کا, دیکھیں جی بالکل لوگوں کا جو اعتماد ہے اس کو بحال کرنے کی ضرورت. ڈاکٹر صاحب یہ میں صرف مجھے کہہ دیا گیا کہ کچھ تھوڑا سارا ایک ٹائم بڑھا دیا انہوں نے, میں صرف آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا سے جب اس طرح دل آزاری والی چیزیں آتی ہیں, ایک سرحد پر کھڑا ایک سپاہی جب شہید ہوتا ہے تو اس کے گھر والے شہدا جو ہیں, یا ایک پولیس والا مختلف اپنی ڈیوٹی کے اس میں شہید ہوتا ہے, مختلف دہشت گردی کاروائیوں, ان کے دل پر کیا گزرے گی کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو بڑھا دیں اور اس معاملے سے لوگوں کا توجہ ہٹا کے آپ دوسری طرف لے جائیں؟ ہر چیز کا صحیح استعمال اور غلط استعمال دونوں ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب شروع میں وی سی آر آیا تھا, جی بالکل, تو اس سے لوگوں نے پیدے اٹھائے اور ہم نے گند بلایا. اب اس موبائل میں میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ خوش قسمت ہو, آپ کے ہاتھ میں دنیا جہاں کے منشور آپ پڑھ سکتے ہو, دنیا جہاں کے آئینہ پڑھ سکتے ہو, دنیا جہاں کی لائبریری ہے, کینیڈا کو سرچ کرو کہ ان کا کرنسی کیا ہے, ان کا معاش کیا ہے, یہ آپ کے لیے ہے. ابھی تو کوئی چیز چائنیز میں ہے, آپ اس کو سکین کر کے کر دیں, وہ آپ کو اردو میں. نہیں باقاعدہ ایک لائبریری بھی ہے, ایک یونیورسٹی بھی ہے, جنرل نالج بھی ہے, ہسٹری بھی ہے, جو کچھ اس میں, لیکن پازیٹو استعمال پازیٹو. لیکن ہم لوگوں نے ان کو
इतना गन पेला है, आप तो पुलिस वाले हो पहुंच के, तो बहुत बड़ी बात है। एक सबसे इस वक्त मजलूम तबका पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां किसी को ना गाली दे सकता है ना किसी को मार सकता है। किसी एमएलए या किसी पार्टी का सदर ने किसी को एक थप्पड़ मारा, उसका बेड़ा गर्क हुआ। लेकिन तमाम लोग, चाहे इखबारात हो, चाहे मीडिया वाले हो, बाकी किसी को कुछ कहे ना कहे, पॉलिटिकल प्रोसेस पे चढ़ाई कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस पे चढ़ाई करते हैं और रिपब्लिक में क्या करता है पॉलिटिकल कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, इरफान सईद साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि उस पर बात करें, एक अलायंसेस जो इनकी अपनी हमारे तमाम पैनलिस्ट की राय थी कि क्या हम इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं कि एक ऐसा अलायंस बने और उसमें हड़ताल बंद, जिसमें आपके हमारे जो अहदाफ है रेवेन्यूज, उस पर जो है वो मुतासर हो, रेवेन्यू नहीं आए। वैसे भी मईशत हमारी काफ़ी कमज़ोर है, क्राइसिस का शिकार है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उसको सही उस पर गामजन करे खतूत पे और मुल्क तरक्की करे। शरद जुल्फकार को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।